नमस्कार दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे घर हमारे दोस्त लोग आए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारी अनिष्का दीदी आई हैं। आप तो मैं जानते होंगे, ये है उषा विलेज और आज हम इनके घर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में मेरे साथ ये भी यूट्यूबर सचिन इंडियन, तो इनको भी आप जानते होंगे मेरी वीडियो में। और आए हैं मेरे साथ विनोद की रसोई भैया जो है, और ये भी आए हैं आज उषा विलेज के यहाँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हम चारों को यहाँ पे इनके गांव में आके, और काफ़ी हरियाली भी है। विनोद की रसोई, ये भी दोस्त दोनों लोग नए हैं और हमारे घर आए हैं, हमके बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं बैगन के खेत में, बैगन लेंगे खेत से। है कि मैं चारों लोग मिलकर आज बनाएंगे लिट्टी चोखा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो रखें। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं बैगन के खेत में। ऊपर मेरा ये ले लीजिए तोड़ने का। तो चलिए बैगन को हम तोड़ते हैं। बहुत ही अच्छा बैगन है, और आज हम चारों लोग मिलकर एक नई रेसिपी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बैगन है, और इसको मैं तोड़ती हूँ। इसका मैं बनाऊंगी भरता, और आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। यहाँ पे देखिए, हम लोग इतने सारे जो है कि बैगन चारों लोग मिलके तोड़ लिए हैं, और आज इसका हम लोग भरता बनाएंगे साथ में मिलके, मज़ा आएगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और बैगन खेत मैंने शायद पहली बार ही देखा है, और यहाँ पे इतने ताज़े बैगन देख के मुझे बहुत ही आराम से। और शाम को इसकी एक अच्छी डिश बनेगी, और वो हम सब लोग चारों लोग मिलके बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पे उषा विलेज फूड आए हुए हैं, और हमारा भी एक चैनल है विनोद की रसोई के नाम से, प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें। और हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पहली बार यहाँ से मिल रहे हैं, और साथ में हमारे अनिष्का जी हैं और सचिन यूट्यूबर भी हैं। तो दोस्तों, मैं इंडियन यूट्यूबर सचिन, मेरा भी एक यूट्यूब पे चैनल है और मैं उस पर काम करता हूँ। तो काम कर रहा था, मेरे को कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं इतने सारे लोगों से मिलूँगा, और मैं उषा जी का मैं चैनल देखता भी था, तो मैंने सोचा कि कभी काश मिलूं। पर अनिष्का जी हैं चाची भाई, तो उन्होंने ये मौका दिलवाया मेरे को और अपने गांव लाई, और चाचा के भी गांव घूमे, तो काफ़ी मज़ा आया। उषा जी तो बढ़िया खाना एकदम ज़बरदस्त बनाती हैं, साथ में विनोद जी हैं, और इन सब का मैं जूनियर हूँ और ये सब मेरे सीनियर हैं, तो काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ इन सबसे मैं। तो और रही बात इस खेत वेत के बारे में, तो फाइनली मैं 5 साल बाद किसी भी खेत में घुसा हूँ, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ मैं भी, बट मैं यूपी में मतलब अपने गांव जा नहीं पाया कभी, और अब मेरे को मौका मिला है, तो फिर मैं खेत में आके खूब मज़े कर रहा हूँ और बढ़िया से बैंगन तोड़ रहा हूँ, और खाने बनाने का मुझे भी शौक है, तो मैं आ गया हूँ। बहुत ही सुंदर बैंगन है दोस्तों। अगर एक खेत और ये बैंगन जो है आप लोगों को अच्छा कैसा लगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएँ। और हमारा ये चारों लोग जो हम हैं, और इन लोगों के बारे में कमेंट करके बताएँ कि आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों, हमने बैंगन को ले लिया है, अब मैं चलती हूँ घर पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं चारों लोग मिलकर आज बनाएंगे लिट्टी चोखा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो रखें। बैंगन को लेकर हम खेत में से निकल चुके हैं, और मैं इधर बगल में मूली हम लोग लेते हैं, और मैं मूली को उपाड़ती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने बैगन लिया है खेतों से एकदम ताज़ा, और इसका हम भरता बनाएंगे साथ में। हमने देखिए सब मूली भी लिया है, तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम घर पे पहुँच चुके हैं, और हम आग को जलाते हैं। इसमें हम आलू और बैगन टमाटर सभी को हम पहले भूनेंगे। उधर हमारा देखिए आग जल रहा है, और इधर हम बैगन को चाकू की नोक से होल कर देते हैं बीच में, जिससे बैगन जो है जल्दी अच्छे से पक जाए। तो ऐसे ही हम सारे बैगन को बीच में होल कर देते हैं। दोस्तों, हम इसमें दाल और चावल बनाएंगे, बहुत ही अच्छा इसमें बनता है, और पहले इसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। ऊपरी को हम ऐसे
बनाते हैं। इस पे हम रखेंगे मिटकी दाल बनाने के लिए। दाल बनाने के लिए इसमें हम पानी को डालते हैं। आग हमारा बहुत ही अच्छे से जल रहा है और मैं इसके ऊपर मिटकी को अच्छे से रखती हूँ आराम से। ये देखिए आग जो है उपला जल गया है। इसमें हम आलू डालेंगे। ये देखिए हमारा जो किस पे हम आलू रखे हैं पकने के लिए। और इधर साइड में देखिए इसमें दाल बनेगा और मटर। इसमें देखिए सचिन यूट्यूबर जो है आलू डाल रहे हैं पकने के लिए आग में। और पीछे जो है विनोद की रसोई जो भैया है और यहाँ पे ये बैंगन और प्याज और ये सब लहसुन सब लहा रहे स्टफिंग जो है भरते के लिए। और जो है उधर उषा दीदी उधर आग लगा रही है और सभी लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है साथ में काम करने में। पानी डाल लेते हैं। पानी को गर्म होने देते हैं। दाल को हम अच्छे तरीके से धो लेते हैं। ये हमारा घर का दाल है, घर का खेत का है और मार्केट से नहीं है। बहुत ही अच्छा दाल बनेगा। मटके का पानी जो कि गर्म हो गया है तो इसमें हम धुला हुआ दाल को डाल देते हैं। मटके का दाल जो है कि बहुत अच्छा लगता है खाने में, जिसका टेस्ट बहुत अलग आता है। और देखिए हमने इसमें मटकी में पानी डाल लिया और इसमें हम चावल पकाएंगे। और चावल के लिए आग भी जल रही है तो अब इसको हम रख देंगे इस पर। और जब तक ये पानी इसका बॉयल होगा उसके बाद इसमें हम चावल पकाएंगे। और इसका चावल बना है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और एक तरफ हमारी दाल भी पक रही है जो कि अनिष्का जी बना रही है उधर, और इधर हम लोग लगे हुए हैं और बाकी सभी लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर। हम ये चावल को धो चलिए अब हम चावल को धो लेते हैं अच्छे से, जो कि हम चावल को धो लेते हैं एक दो पानी से। चलिए हमने चावल को दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे हमारा जो मटके का पानी था गर्म हो गया है तो इसमें हम धुला हुआ चावल डाल देते हैं। उषा दीदी घर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल गांव जैसी फीलिंग हो रही है एकदम यहाँ पर आकर। और यहाँ पे देखिए जो कि धुला हुआ चना है इसका छिलका जो है मैं सूप से इसको पछोड़ करके साफ कर रही हूँ। और इसके यहाँ पे हम छिलके को पीसेंगे और जो बट्टी रहेगा उसके अंदर ये स्टफिंग भराएगा तो फूटा जो सत्तू वाला जिसको बोलते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। चने के इसके छिलके सूप से अच्छे से पछोड़ कर इसको हमने जो चने के छिलके थे इनको साफ कर लिए है। और इसको सिलबट्टे पे हम पीस लेते हैं। तो अभी टाइम आ गया है कि हमें आटा गूंथना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आटे को निकालेंगे और इसे चालेंगे यूं करके। तो अभी जो हमारा आटा चालने के बाद जो चोकर निकलेगा इसको हम अलग कर देंगे ताकि जो रोटी होती है वो काफ़ी मतलब मुलायम बनती है, नहीं तो थोड़ा सा टाइट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको हम निकाल ही देते हैं हमेशा। आटे को हम गूंथते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे हमारा गीला ना हो और टाइट ही रखेंगे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और देखिए दाल भी हमारी पक रही है। अब इसमें हम थोड़ी खटाई डालेंगे और नमक डालेंगे। इसमें हमने खटाई डाल दिया और इसमें थोड़ा नमक भी डालेंगे। नमक हम करीब एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और देखिए उधर हमारे आलू और बैंगन दोनों पक रहे हैं और जो कि उषा जी उसको देख रही है कि पका कि नहीं पका। और पीछे हमारे सचिन जी वो भी हमारे आटा गूंथ रहे हैं और बाटी के लिए। और दाल पकने के बाद उसके बाद हम बाटी बनाएंगे और चावल भी पक रहा है उस साइड। सबको धुलने के बाद इनको हम एकदम बारीक काट लेते हैं। आलू को हम चेक करते हैं और इसको पलटते हैं अभी पका।
अभी हमारा हुआ नहीं है। सभी आलू को हम साइड को चेंज करते हैं। हमारा बैंगन भी बहुत ही अच्छा से पक चुका है और टमाटर भी पक चुका है और आलू भी, सभी चीज़ हमारा पक चुका है। अब इसको हम आग में से निकालना स्टार्ट करते हैं। वो अभी जो हमारे टमाटर है वो आग में भून चुके हैं पूरे तरीके से, तो अभी इनको निकालेंगे और इनकी राख को साफ करने के लिए पहले इसे पानी में डालेंगे। कि आप लोगों ने अभी टमाटर का देखा, वो उषा जी यहाँ पर बैंगन को छील लिए, मैं जब तक आलू निकालता हूँ जो पक चुके हैं और उनको पानी में डाल देता हूँ, जब तक ये इसी पानी ठंडे भी हो जाएंगे और आसानी से छिल भी जाएंगे। चावल को हम चेक करते हैं, चावल हमारा पक चुका है, बहुत ही अच्छा पका हुआ है और इसमें पानी सब खत्म हो चुका है और भर भर भी है। और इसको मैं ढककर उतारती हूँ। मटकी में चावल हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसको मैं उतार देती हूँ। दाल को हम चेक करते हैं, दाल हमारा पक चुका है और बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। इसको हम अब तड़का लगाएंगे। देसी घी से हम दाल को पका देंगे और इसमें हम डालते हैं मिर्चा। पहले मिर्चा को हम पकाते हैं थोड़ा। लहसुन हमने काट काट के पतला बनाया है, इसको भी दाल में डाल देंगे। हम मिर्चा और लहसुन हमारा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालते हैं जीरा। अब इसको तीनों ब्राउन होने तक पकाते हैं। तड़का हमारा एकदम ब्राउन हो चुका है, इसमें हम दाल में तड़का को लगाते हैं। दाल हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसको मैं आग पर से नीचे उतारते हैं। और लीजिए स्टफिंग के लिए सारी सामग्री सब कट चुकी है, जिसमें हमने प्याज अदरक और हरी मिर्च सब काटा हुआ है और इसके लिए हम बाटी के लिए हम सारी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं और उसके लिए सारा मटेरियल तैयार है। और अनुष्का जी हम लोग लगे हुए हैं, उधर उषा जी और सचिन जी भी लगे हुए हैं बैंगन का भरता तैयार करने के लिए। चलिए जो हम बट्टी लगाएंगे उसके अंदर जो स्टफिंग भरेंगे इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम कटा हुआ अदरक डालेंगे और हरी मिर्च भी कटा हुआ इसमें डाल देते हैं और कटा हुआ बारीक लहसुन काटेंगे, इसमें कटा हुआ इसमें बारीक लहसुन डाल देते हैं और प्याज को भी डाल देते हैं और हरा धनिया भी डालेंगे साथ में। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, सरसों का तेल ही डालेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए हमने देसी घी भी ले रखा है, इसको भी डालेंगे, इससे जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये है मंगरेल, इसको भी डाल देते हैं। और इसमें अजवाइन भी डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने स्टफिंग को जो अच्छे से मिला लिया है सभी चीज़ों को और हमारा आटा भी गूंथ गया है, तो अब हम आटे के अंदर जो स्टफिंग को भरेंगे और इसका बाटी बनाएंगे। ऐसे देखिए हम सभी बाटी को बना लेते हैं इसके अंदर स्टफिंग भर के।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, हम सभी मखने की लिट्टी को मतलब ऐसे रेडी करके यहाँ पर रख लेंगे, फिर उसके बाद उसको आग में डालेंगे और सेकेंगे। अब मखने की लिट्टी को इस पर हम आग पे रखते हैं, थोड़ा सा इसको दबाते हैं जैसे हमारा जल्दी से पके। धीमी आंच पे रखते हैं जैसे जले ना और अंदर तक अच्छे से पक जाए। इसको हम उस इसके ऊपर से आग को रखते हैं। इस बीच बीच में हम पलट कर चेक करते रहेंगे। इसमें हमारा ये आग बहुत अच्छे से जला हुआ है, इसमें धुआं बिल्कुल नहीं है और बहुत ही अच्छा हमारा मखने की लिट्टी बनेगा। चलिए अब हम भरता बनाते हैं। इसके लिए इसमें सब जो हमने कटा था ये सब डाल लेते हैं। कटा हुआ हरा धनिया और इसमें है प्याज कटा हुआ, साथ में इसमें लहसुन भी है कटा हुआ और इसको अदरक भी डाल देते हैं और हरी मिर्च भी सब डाल देते हैं इसमें। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। और इसमें हम तेल डालेंगे। ये मखने की लिट्टी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम राख को साफ करके थाली में रख लेते हैं। दोस्तों हमारा खाना बनकर तैयार हो चुका है और हमने बनाया है चावल बनाए हैं और ये मखनी का लिट्टी हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है और साथ में बनाया है हमने दाल ने इसके देसी घी से मतलब तड़का दिया है। बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू भी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा है और मिट्टी में दाल बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों एक बार आप लोग इसको ट्राई करें। और हमने ये बनाया है भरता, बहुत ही अच्छा हमारा भरता बना हुआ है और इसको हम परोसते हैं। दीदी चावल को परोस रही हैं। एक भरता को मैं निकालती हूँ। इसे चोखा भी कहा जाता है और गांव में इसे भरता ही कहते हैं। अब हम निकालते हैं दाल। अब मखने की लिट्टी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आपको जैसे चैनल का नाम मालूम है, हमारा विनोद की रसोई के नाम से चैनल है और हमारे ये सचिन यूट्यूबर जो हैं इनका एक चैनल है और आप तो इनको जानते हैं, ये तो उषा विलेज फूड से और इन नाम की ज़रूरत नहीं है अनिष्का किचन। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम यहाँ पर आए, खेतों में गए, साथ में बैंगन वगैरह सब सब्जियाँ तोड़ी, फिर यहाँ पर आए और सब जुगाड़ करके हमने बढ़िया से खाना बनाया और मैंने तो खासकर पहली बार इस मटके में बनते हुए देखा और पहली बार ही खाऊंगा। तो काफ़ी मेहनत करी चारों लोगों ने मिलके। तो यहाँ पर अनिष्का जी हैं, मैं इंडियन यूट्यूबर सचिन, विनोद जी की रसोई और उषा विलेज फूड जी हैं। तो काफ़ी मज़ा आया साथ में काम करके और खाना बना के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अनिष्का जी, इंडियन यूट्यूबर,
विनोद के रसोई और उषा विलेज फूड को जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और इनकी डेली वीडियोज या वीकली जो भी आती है आप उनको देखिए और काफ़ी कुछ सीखिए, मजे कीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।